खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज खास मुलाकात में देश के जाने माने लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर प्रशांत भूषण जी हमारे साथ हैं और इनकी खास बात यह है कि लॉयर्स के होने के साथ साथ देश के जाने माने एक्टिविस्ट भी हैं, हर समय सरकार के निशाने पर रखते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं सीधे प्रशांत जी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि मैं, समझ लीजिए कि मैं इतिहास का छात्र हूं, विधि का भी छात्र हूं और हमारे दोस्तों को और मुझे भी कुछ प्रश्नों को समझाइए कि हम लोग कैसे समझे। चलिए लिए चलता हूं आजादी के बैकग्राउंड कि जितने वहां पे आप आजादी के बड़े बड़े लीडर्स थे, फ्रीडम मूवमेंट के, चाहे गांधी हो, अंबेडकर हो, मोतीलाल नेहरू हो, मालवीय हो, जवाहरलाल नेहरू हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद सब बड़े बड़े विधिवेत्ता थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे। और मैंने आपको बताया भी कि मैंने बड़े बैरिस्टर पे काम किया है, पीएचडी किया है, कई किताबें हमने पब्लिश की हैं। और उन्होंने जो राजनीति की, वो अपना ब्लैक कोट उतार के राजनीति की, देश की मुक्ति की राजनीति, ब्लैक कोट पहनकर भी जब उन्होंने राजनीति की तब उन्होंने इंसाफ की राजनीति की। प्रशांत जी लगातार जुडिशरी सिस्टम पे, तमाम जो मोटस ऑपरेंडी है, जो कार्यशैली है, उस पर लगातार सवाल उठाते रहे, विवाद उठाते रहे हैं। तो प्रशांत सर, आपका स्वागत है सर अंबेडकर नामा में। नमस्कार, बहुत खुशी है आपके साथ होने में। सर, आज मैं सीधा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एंड यू हैव टू गिव अस लेक्चर फॉर हाफ एन आवर, और उससे ज्यादा आप बोलना चाहें वो भी स्वागत है आप। सीधा है कि लोकशाही में वोट का इस्तेमाल करके ड्रैकोनियन लॉ बनाया जा सकता है क्या? उसी वोट का इस्तेमाल करके, जनता के वोट का, जन विरोधी कानून बनाया जा सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन को हाईजेक किया जा सकता है? कई उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके सामने जो उदाहरण है, थोड़ा सा ड्रैकोनियन लॉ क्या है हमारे दोस्तों को बताएं आप सर, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे अभी फादर स्टेन स्वामी का मामला आया, चाहे यूएपीएस, सीएनआरसी और तमाम जो भी कानून इस तरह के आए, चाहे 370, कई एग्जांपल हमारे सामने रहे हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं, कानून कम जानता हूं, नहीं जानता हूं तकरीबन। तो सर, थोड़ा सा संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से जरा हमें भी और मेरे दोस्तों को सर समझाएं। अब यहां से फ्लोर आपके पास है, आप बोलेंगे सर। सर स्वागत। जी हाँ, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम इस देश में एक बड़ा अजीबोगरीब नज़ारा देख रहे हैं कि इमरजेंसी तो नहीं लगी है, लेकिन एक तरह से जो 75 की इमरजेंसी थी उससे भी बदतर हालात हो गए हैं। और उसका एक उदाहरण ये है कि सैकड़ों लोगों को आज जो जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला, किसी ने कोई कार्टून बना दिया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट कर दिया, उन सब लोगों को अलग अलग कानून के तहत, जो मैं ड्रैकोनियन लॉज कहता हूँ, उनके तहत उनको अरेस्ट करके जेल में डाल रखा है। और बहुत सारे लोगों को तो अब, जैसे भीमा कोरेगांव के हमारे 15 एक्टिविस्ट आज गिरफ्तार हैं, जिसमें फादर स्टैन स्वामी भी एक थे, जिनकी अभी मौत हो गई कस्टडी में, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया, उनको बेल नहीं दी गई। अब इस तरह के लोग, जैसे फादर स्टैन स्वामी हैं, या सुधा भरद्वाज हैं, या आनंद तिलतुमले हैं, या गौतम नवलखा हैं, तमाम लोग हैं, शोमा सेन हैं, इन लोगों का तो बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मानव अधिकार के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल अहिंसक तरीके से अपना काम करते हैं। ट्राइबल्स और दलित और कुछले
गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, और इनका जुर्म सिर्फ यही था कि ये लगातार सरकार की नीतियों और सरकार के जो काम हो रहे थे उनकी निंदा कर रहे थे, उनकी उनका क्रिटिसिज्म कर रहे थे। और इनको एक ऐसे केस में फंसाया गया, पहली बात तो जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि भीमा कोरेगांव में 4 साल पहले एक जो मीटिंग हुई थी, जो जस्टिस सावंत वगैरह ने बुलाई थी, जो हर साल वहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें कि एक हिस्टोरिकल इवेंट को जो वहाँ के बैकवर्ड लोग हैं वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो कि उस मीटिंग में ये लोग आए और वहाँ पर हिंसा करवाने की कॉन्स्पिरेसी रची, और उससे भी ज़्यादा भयंकर कि मोदी जी को असैसिनेट करने की कॉन्स्पिरेसी करी गई। और उसका आधार ये दिया गया कि इनके दो जनों के, सुरेंद्र गैडलिंग और रोना विल्सन, इन दोनों के कंप्यूटर में, ये दोनों, सुरेंद्र गैडलिंग तो वकील हैं, इन लोगों के भी वकील थे, और रोना विल्सन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ ये बताया गया कि इनके कंप्यूटर में से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद करे गए हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि ये लोग माओस वगैरह के साथ कनेक्टेड थे और कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की और भीमा कोरेगांव में वायलेंस करने की। और हाल में आर्सेनल कंसल्टिंग करके दुनिया की शायद सबसे अहम फर्म है जो फोरेंसिक एनालिसिस करती है, क्योंकि इन दोनों का कंप्यूटर मांग लिया गया, उसका क्लोन्ड कॉपी जिसको कहते हैं, जिसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है कंप्यूटर की, उसकी उन लोगों ने एनालिसिस करी आर्सेनल कंसल्टिंग ने, और उन्होंने एकदम साफ दिखा दिया कि जितने भी दस्तावेज इनके खिलाफ एविडेंस में, सिर्फ इनके खिलाफ ही नहीं, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, इन सब के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट साइट करे जा रहे हैं, जो इन दो लोगों के कंप्यूटर से कहते हैं बरामद किए गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड और प्लांटेड हैं, प्लांट करे गए, इन लोगों ने तो देखे भी नहीं थे, इनके कंप्यूटर से खोले भी नहीं गए, ये सब ये फोरेंसिक एनालिसिस से पता लग जाता है। लेकिन फिर भी आज तक इन लोगों को बेल नहीं दी गई, जेल में हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का चार्ज लगा दिया गया है, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऐसा कानून है जिसकी दो तीन खासियत है। पहली खासियत तो यह है कि उसमें अनलॉफुल एक्टिविटी इतना वाइडली डिफाइंड है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी कहना, डिसअफेक्शन फैलाना, जैसे कि सेडिशन के कानून का जो डेफिनेशन है, जो कि एक अंग्रेज़ों के टाइम का एक कॉलोनियल लॉ था कि आप अंग्रेजी सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन, यानी कि उनको अगर आप प्यार से नहीं देखते, अगर आप उनके लिए प्यार नहीं फैलाते और प्यार के अलावा कुछ भी फैलाते हैं, तो फिर बहुत संगीन ऑफेंस, अपराध होगा सेडिशन का, वैसे ही अनलॉफुल एक्टिविटी के डेफिनेशन में कर दिया गया। उसके बाद उसमें बेल का ये प्रोविजन कर दिया गया कि बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक जो जज बेल देने वाला है वो ये फाइंडिंग ना रिकॉर्ड कर दे कि इनके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये बटाली का जजमेंट 3 साल पहले दे दिया, जिसमें ये लिख दिया कि बेल देते समय जज ये नहीं देख सकता कि इनके खिलाफ जो एविडेंस पुलिस साइट कर रही है वो एडमिसिबल भी है कि नहीं। यानी कि अब जैसे प्रूव हो गया कि ये सारा एविडेंस फैब्रिकेटेड है, लेकिन हो सकता है कि उस बटाली जजमेंट के चलते हुए कोर्ट ये भी ना देख पाए कि
ये एविडेंस फैब्रिकेटेड है, सारा एविडेंस जो साइट किया जा रहा है फैब्रिकेटेड है, इसलिए बेल डिनाई करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो इसीलिए जस्टिस मदन लोकुर ने अभी इस पर यूएपीए के ऊपर एक लंबा लेख लिखा, वो तो खैर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया जिसमें कि ये दिल्ली रायट्स अक्यूज्ड, ये जो लड़कियां थी पिंजड़ा तोड़ वाली, देवांगना कलिता नताशा नरवाल वगैरह, इन लोगों के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बेल दी तो फिर यूएपीए को इंटरप्रेट किया कि यूएपीए किस तरह के ऑफेंसेस के लिए है, और उसके इंटरप्रिटेशन में उन्होंने बोला कि भाई कोई टेररिज्म वगैरह का चार्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ तो उस तरह का कोई चार्ज ही नहीं है, तो इनको इनके खिलाफ तो यूएपीए का केस ही नहीं बनाया जा सकता, तो उनको बेल दे दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपील में, ये लोग अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अच्छा हम ये एग्जामिन करेंगे कि हाई कोर्ट इसमें जा सकता था कि नहीं जा सकता था, कि भाई ये यूएपीए का केस ही नहीं बनता। अब जस्टिस मदन लोकुर ने अपने लेख में ये लिखा कि हिंदुस्तान में या किसी भी देश में किसी भी समाज में रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में फर्क होता है। रूल बाय लॉ तो कोई भी कानून हो, कितना भी ड्रेकोनियन हो, कितना भी गलत हो, मान लीजिए कानून में ये लिख दिया कि सरकार के खिलाफ, जैसे सेडिशन के कानून में लिख दिया कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना ही अपराध है, अरे भाई हम तो लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में तो हमारा अधिकार है कि हम इस सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैला के सरकार को बदल सकें चुनाव के द्वारा, इस सरकार के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बना सके, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान ने दिया है इस लोकतंत्र में, तो उसको अपराध कैसे माना जा सकता है। लेकिन ये कुछ कानून ऐसे हैं जैसे सेडिशन का कानून या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि ये पावर देता है सरकार को कि आप किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन कर ले, उसने कोई अपराध किया भी नहीं है, लेकिन आप ये बोल दें कि हमको शंका है कि ये कोई अपराध करेगा और उस आधार पर प्रिवेंटिवली डिटेन कर लें और 6 महीने तक, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, कोई आप रिव्यू कमिटी के सामने जाइए, वो कमिटी ही अपने प्रोसेस में 6 महीने से ज्यादा लगा देती है, फिर 6 महीने के बाद फिर एक नया ऑर्डर इशू कर दिया जाता है जैसे चंद्रशेखर आजाद के केस में कर दिया गया, और उसको 1 साल के बाद जाकर छोड़ा गया जब उसका 1 साल पूरा हो गया। तो रूल बाय लॉ का तो मतलब होता है कि ठीक है कोई भी कानून है, कितना भी अंधा कानून है, कितना भी ड्रैकोनियन कानून है, उस लॉ के हिसाब से पुलिस चल रही है, सोसाइटी चल रही है। मान लीजिए कानून में ये लिख दिया जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, तो अब उस कानून को फॉलो करना तो ठीक है, अगर कोई आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला और उन्होंने पुलिस ने आपको गोली मार दी तो बोलेंगे ये तो रूल बाय लॉ है। पर रूल ऑफ लॉ तब होता है जब जो कानून है वो रीजनेबल है, वो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसमें कि लिबर्टी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गैर कानूनी ढंग से आपको बंद ना किया जाए, कानून रीजनेबल होना चाहिए, और इसलिए ये सब कानून जो हैं, चाहे यूएपीए को ले लीजिए, चाहे एनएसए को ले लीजिए, चाहे इसको सेडिशन के कानून को ले लीजिए, ये कानून रीजनेबल कानून नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी एक नई पिटीशन, पहले जब ये शुरू में मुद्दा उठा सेडिशन के कानून का, 1962 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया एक केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, या स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस केदारनाथ, जिसमें कि ये सवाल उठा कि भाई आज तो हिंदुस्तान एक लोकतंत्र बन गया, एक रिपब्लिक बन गया, हमको मौलिक अधिकार दे दिया गया, हमारे यहाँ लोकतंत्र एस्टेब्लिश कर दिया गया,
और हमको जब मौलिक अधिकार है बोलने का, सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार को पलटने का, तब फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाएंगे तो ये एक अपराध होगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला, यहाँ ये बात तो सही है कि सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाना हमारा मौलिक अधिकार है, तो उसको तो अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, अगर आप हिंसा के द्वारा या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करके, यानी रायट्स वगैरह करवा के, अगर आप उस तरह से सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाते हैं तो वो सेडिशन के कानून में आएगा। तो उन्होंने उसको रीड डाउन कर दिया उस कानून को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी इस कानून का दुरुपयोग चलता रहा, और आज तो हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ एक एक साल में हजार हजार केसेस सेडिशन के रजिस्टर करे जा रहे हैं लोगों के खिलाफ, सिर्फ इस आधार पर कि आपने कार्टून बना दिया प्रधानमंत्री का, कि आपने चीफ मिनिस्टर का कार्टून बना दिया, आपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो उस आधार पर आपके खिलाफ सेडिशन के केस बना दिए जाते हैं। क्योंकि जो पुलिस वाले हैं उनको खैर सरकार का आदेश होता है कि जो ये लोग हैं इन सबको पकड़ो, और सेडिशन के उनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का तो पता भी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि डिसअफेक्शन सरकार के खिलाफ फैलाना सेडिशन का अपराध है, तो केस बनाकर अरेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग करीब 4 साल पहले कॉमन कॉज की तरफ से फिर से कोर्ट में गए। हमने बोला कि देखिए, ये कानून का अभी तक दुरुपयोग हो रहा है, अब आप कम से कम फर्दर इसमें सेफगार्ड दीजिए कि आप ये बोलिए कि इसका FIR रजिस्टर करने से पहले जो स्टेट का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, सबसे आला अफसर है पुलिस का, उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा कि उसने ये केस एग्जामिन किया है, जो चार्ज है, जो फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स पर सेडिशन का केस इसलिए बनता है कि इसमें हिंसा भड़काने का ये काम किया गया। तो वो ये रिकॉर्ड करे, तब फिर जाके सेडिशन का केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोल दिया कि नहीं नहीं हम पहले केदारनाथ के केस में कह चुके हैं क्या कानून का इंटरप्रिटेशन है, और हम उसी को रिएटरेट कर रहे हैं, कोई फर्दर डायरेक्शन नहीं दिया। तो विद द रिजल्ट कि इसका दुरुपयोग पिछले 4 साल में और बढ़ गया। अब हम लोग कॉमन कॉज और अरुण शौरी की तरफ से एक नई पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इसको कानून से ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, यानी कि इंडियन पीनल कोड से हटा दिया जाए। अब देखिए उसमें क्या हो। तो जैसे मैंने बोला कि UAPA के चलते हुए बेल लेना करीब करीब असंभव हो गया, जिस तरह का खास सुप्रीम कोर्ट ने वटाली वाले जजमेंट में बोल दिया। पर मेरी राय में UAPA एक ऐसा कानून है जिसकी संवैधानिक, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुका है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जिस तरह का दुरुपयोग आज हम देख रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को री एग्जामिन करे और बोले कि भाई ये तो बिल्कुल अनरीजनेबल कानून है, और इस तरह का कानून जो है, या बेल का जो प्रोविजन है, या उसमें जो अनलॉफुल एक्टिविटी का इतना लूज और वाइड डेफिनेशन दिया हुआ है, ये कोई रीजनेबल लॉ में नहीं आ सकता, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, इसलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सवाल है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून इमरजेंसी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, मीसा जिसको कहते थे, लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करने के लिए, और उस समय करीब करीब 1 लाख लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया था इमरजेंसी के दौरान। अब ये या तो सेडिशन का केस बना देते हैं या UAPA का केस, जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, जिसको भी चाहें उसके खिलाफ सेडिशन का, UAPA में तो बिल्कुल झूठे केस बनाए जा रहे हैं, और या फिर प्रिवेंटिवली डिटेन करना हो तो कुछ केसेस में NSA लगा दिए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि
ये भी मेरी राय में एनएसए भी वैसा ही अनरीजनेबल कानून है जो कि हमारे संविधान से और हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो इसको भी स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं, अब ये यूएपीए के केस नॉर्मली नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एनआईए ये इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सीबीआई को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है और इसलिए सीबीआई के डायरेक्टर का चयन प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस मिलकर करेंगे और उसकी वजह से सरकार पूरी अपनी मनमानी नहीं कर पाती वहाँ सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी जब आलोक वर्मा के पास रफेल की कंप्लेंट गई हम लोगों की, तो उसको और जब वो उस पर फैसला लेने वाले थे तो उससे पहले ही रातों रात, रात में 2 बजे उनका ऑफिस सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2000 लोग वहां भेजे गए कि सीबीआई डायरेक्टर का ऑफिस सील कर दो, सीबीआई डायरेक्टर को हटाकर, और एक बिल्कुल लंपट आदमी है नागेश्वर राव उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया रात में 2 बजे। तो वो बिल्कुल कानून के खिलाफ, क्योंकि आप सीबीआई डायरेक्टर को प्रीमेच्योरली हटा नहीं सकते एक्सेप्ट द कॉन्करेंस ऑफ द अपॉइंटिंग कमिटी। अपॉइंटिंग कमिटी में चीफ जस्टिस भी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, ऑपोजिशन भी हैं। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उसको हटा दिया था। तो इसलिए सीबीआई को भी बहुत प्रेशराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बावजूद कि सीबीआई डायरेक्टर का चयन एक रिलेटिवली बेटर कमिटी के द्वारा किया जाता है जी। लेकिन सीबीआई में जो लोगों को तैनात किया जाता है उनकी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स वगैरह भी मेनली सरकार के ही हाथ में रहते हैं, तो इसलिए सीबीआई भी काफी हद तक सरकार के हाथ में है। लेकिन एनआईए तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में, एनआईए का तो सारे डायरेक्टर का चयन सारे गुजरात के ऑफिसर्स वहां अपॉइंट करे जा रहे हैं, बिल्कुल बस एजेंसी बन गई है। और ये भीमा कोरेगांव वाला केस पहले पूना पुलिस के सामने के पास था जब तक भाजपा की सरकार थी, जब सरकार वहां बदली और जब नई सरकार ने बोला कि भाई हम चाहते हैं कि ये केस पूरा रिव्यू किया जाए, तो केंद्र सरकार ने 2 मिनट के अंदर केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया। और एनआईए ऐसी एजेंसी है जो बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम करती है, जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर। सीबीआई तो फिर भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो लोकल पुलिस एजेंसीज हैं, ये बिल्कुल सरकार के इशारों पर काम करती हैं। और इसलिए जैसे यूपी में जो पुलिस है वो मतलब जो ये आदित्यनाथ चाहता है वो करती है। अभी वो ब्लॉक प्रमुख वगैरह के जो चुनाव हुए उसमें तो मतलब हद ही हो गई है कि जिस तरह से ऑपोजिशन कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया एंड सो ऑन, पुलिस वहाँ मूक दर्शक बन के खड़ी रही तो पुलिस का तो बुरा हाल है सब जगह। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया 2006 में पुलिस रिफॉर्म्स का, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, 6-7 रिफॉर्म्स उन्होंने ऑर्डर करे, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट करे नहीं गए हैं, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चयन भी थोड़ी बेहतर तरीके से होना चाहिए, जिसमें ये भी है कि जो 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 फील्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो SHO हो, चाहे वो टाउन इंस्पेक्टर वगैरह हो, इन लोगों का कम से कम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, उससे पहले उनका ट्रांसफर होना चाहिए। कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनेगा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, वो लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स तय करेगा, सरकार नहीं करेगी। कि इन्वेस्टिगेशन विंग और
लॉ एंड ऑर्डर विंग को सेपरेट किया जाएगा, पुलिस के इतने सारे डायरेक्शंस दिए गए लेकिन वो किया नहीं गया है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया है। तो ये भी इन ड्रैकोनियन लॉज में, ये जो जिसको कहते हैं लॉलेस लॉज जो हैं, या जिसके चलते हुए रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि इतने अनरीजनेबल लॉज हैं, तो उसके साथ कंपाउंडिंग प्रॉब्लम ये है कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और सरकार, खासकर इस सरकार ने पूरी तरह से इन पर कब्जा किया हुआ है और अपनी मनमानी इनके थ्रू करवाते हैं। और आज तो खैर ऑपोजिशन लीडर्स को भी टेरराइज किया जाता है कि भाई हम जब तुम्हारे खिलाफ ये केस कर देंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ केस खत्म कर दिया जाता है, तो ये भी बहुत हो रहा है। सो ये हालात हैं, ये सिचुएशन। एक सवाल सर मैं एक लूं, एक सवाल। हाँ बस हमारी बात खत्म हो गई, मेरी बात खत्म हो गई, अब सवाल आप कर सकते हैं, बताइए। सर मैं अभी अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स पढ़ रहा हूँ और कई वॉल्यूम्स मैंने पढ़े हैं और अम्बेडकर नाम पे वीडियोस बनाए हमने, जुडिशियरी को लेके, उनके मोडस ऑपरेंडी को लेके वो भी काफी कुछ लिखा है उन्होंने अपने एक्टिविज्म वाले पोर्शन। और आप लगातार जुडिशियरी के मोडस ऑपरेंडी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार एग्रेसिवली आप बोलते रहे और हम लोग साक्षी हैं, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने लिखा भी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस जमाने में अम्बेडकर, दोनों जमाना उन्होंने देखा है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो अगर कंपेयर करें कि न्यायपालिका काम कैसे करती है आजादी के पहले, फिर भी लोग कहते हैं अम्बेडकर साहब के राइटिंग में ये था, ये कम से कम अंग्रेज है तो कुछ यहाँ आम जनता कुछ भला भी हो जाएगा, ये चले जाएंगे तो राजे महाराजे सब कुछ जो है यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगे। जिस तरीके से आपने जुडिशरी पे उनके काम की शैली पे अटैक किया, चाहे चीफ जस्टिस राजन गोगोई का मामला हो, ये जज लोग रिटायर करते हैं तुरंत हड़बड़ी क्यों रहती है गवर्नर बनने की, एमपी बनने की, 5 साल कूलिंग पीरियड भी तो हो सकता है क्या सर, थोड़ा सा ये भी बताइए क्योंकि आपसे इस मुद्दे पर बात करना बेहद जरूरी है। हाँ तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जब संविधान बना और हमारी अपनी जुडिशरी बनी, हाई कोर्ट्स बने, सुप्रीम कोर्ट बने, तो शुरू में तो जुडिशरी का काम रीजनेबली ठीक था। देखिए, जुडिशरी के दो बड़े काम होते हैं, एक तो खैर केसेस यानी कि डिस्प्यूट्स को तय करना, दूसरा होता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है कि न्यायपालिका, सॉरी ये विधायिका और कार्यपालिका को अपने दायरे में रखना और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और इस काम के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार से स्वतंत्रता बहुत जरूरी है अब, और ईमानदारी भी बहुत जरूरी है जजों की। अब हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेटली एक तो ये प्रॉब्लम हुई कि हमने जजों को इंडिपेंडेंस तो दे दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उनकी जवाबदेही का कोई ठोस सिस्टम नहीं बनाया। उसका रिजल्ट ये हुआ, मतलब सिर्फ इम्पीचमेंट था एक जवाबदेही का, वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मेल भी नहीं खाता क्योंकि उसमें तो पार्लियामेंट इम्पीच करती है, पार्लियामेंट को नहीं पावर होनी चाहिए कायदे से, कायदे से तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बननी चाहिए, जुडिशियल कंप्लेंट्स अथॉरिटी, जो सरकार से भी इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी से भी इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जिसको पावर हो कि जजों के खिलाफ कंप्लेंट एंटरटेन करके उनके खिलाफ एक्शन ले सके इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनके ट्रायल के बाद, उनके अपॉर्चुनिटी देने के बाद। अभी जो सिस्टम है ये बिल्कुल गलत सिस्टम है और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि 100 एमपीज को साइन करना होता है इम्पीचमेंट मोशन और सब एमपीज या उनके पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस लंबित होते हैं कोर्ट्स में, हिम्मत नहीं होती इम्पीचमेंट मोशन साइन करने की, उनको डर लगता है कि इसका जुडिशियल बैकलैश होगा क्योंकि जजों में भाईचारा गठजोड़ रहता है दोनों।
हाँ भाईचारा रहता है जजों में आपस में, तो उनको लगता है कि उनको लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। और ये अच्छे अच्छे बहुत ईमानदार चीफ जस्टिसेस के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं कि दिस इज आवर जुडिशल फैमिली एंड देयर फोर इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ईच अदर। ये एक अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है जुडिशरी में कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब जवाबदेही भी नहीं होती, जब कोई ठोस जवाबदेही नहीं होती, तो फिर लाजमी है कि बेईमानी बढ़ती है, और बेईमानी हर तरह से बढ़ती है। कुछ जज तो पैसा लेके बेईमानी करते हैं, कुछ जज भाई भतीजावाद में बेईमानी करते हैं, कुछ जज सरकार से कुछ लेने के लिए बेईमानी करते हैं, सरकार के यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर आपको कोई जॉब लेना है तब सरकार के फेवर में केसेस कर डिसीशंस करते जाएंगे, जैसे गोगोई साहब ने किया, रफाइल का कर दिया, अयोध्या का कर दिया और तुरंत राज्यसभा की मेंबरशिप ले ली। कई जजेस जो हैं, कोई गवर्नरशिप ले लेता है, कोई कोई और, अरुण मिश्रा साहब को नेशनल ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन बना दिया, उनके पास तो बहुत सारे मामले गए, बिरला सहारा भी गया, अडानी के इतने सारे गए, अडानी तो मोदी के खासम खास बिजनेसमैन हैं, अडानी के तो 6 केस उन्होंने तय किए अडानी के ही फेवर में सारे के सारे, और कम से कम 20,000 करोड़ का फायदा तो सिर्फ अरुण मिश्रा ने कराया अडानी को अपने 6 जजमेंट्स के थ्रू। तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जजों को मिल तो सकते हैं, लेकिन सरकार के हाथ में नहीं होने चाहिए। उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, चाहे वो उसका नाम जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन आप कर सकते हैं, जो सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, वो लोग तय करें कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब कौन सा मिलेगा, किस जज को मिलेगा। कूलिंग पीरियड भी होना लेकिन चाहिए सर, इसमें हाँ, कुछ कूलिंग पीरियड का भी प्रोविजन होना चाहिए। कूलिंग पीरियड की कोई जरूरत नहीं है अच्छा अगर सरकार के हाथ में ना हो जी उनका उनका अपॉइंटमेंट। अगर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के हाथ में है तो कूलिंग पीरियड की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो नई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इस सरकार के साथ पर्टिकुलरली, कि जी अगर आप चीफ जस्टिस को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लें या उनको अपने कब्जे में कर लें, तब आप पूरी जुडिशरी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। चीफ जस्टिस तय करता है जी कौन सा केस कौन जज सुनेगा, हाँ और सबको पता होता है कि कौन से जज ऐसे हैं जो कमजोर हैं, सरकार के खिलाफ नहीं तय कर पाएंगे, या जो सरकार के साथ एफिलिएटेड हैं, आरएसएस के मेंबर रहे हैं, या मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, वगैरह वगैरह, जो लोग खुल के कहते हैं कि भाई मोदी तो मेरा हीरो है, या ये कहते हैं कि भाई ये तो वर्सेटाइल जीनियस है जैसे अरुण मिश्रा ने बोला। अगर चीफ जस्टिस आपके कंट्रोल में है तो सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस चीफ जस्टिस के थ्रू आप बिल्कुल कन्वीनियंट जजेस को भिजवा सकते हैं, जो कि हुआ पिछले 4 5 साल में, जी 5 साल में। अब चीफ जस्टिस कैसे कंट्रोल में आता है, उसका इन लोगों ने एक नया तरीका अख्तियार किया है कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लगाकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगाकर, चीफ जस्टिस की कोई कमजोरी पकड़ लो, उसके कोई फैमिली मेंबर की, उसकी अपनी कोई कमजोरी। अब जैसे जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो मेडिकल कॉलेज स्कैम का, सीबीआई के पास था। इसी तरह से जस्टिस गोगोई का तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ही आ गया। तो कोई कमजोरी आप पकड़ लेते हैं और उसके थ्रू फिर आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, और ब्लैकमेल फिर हाँ ब्लैकमेल एक तरह से ब्लैकमेल ही हुआ, एक तरह से ब्लैकमेल ही हुआ। तो वो बड़ा सटल ब्लैकमेल होता है, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि भाई हम आपके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको बस ये बताना है कि भाई ये हमको पता है कि आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये हमको पता है, ये सीबीआई का देखिए ये
कागज है कि आपके कॉन्वर्सेशन टैप हो गए हैं या उसके कॉन्वर्सेशन टैप हो गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 2.5 गमले पहुंचाने हैं कैप्टन को एंड सो ऑन, सो देयरफॉर उतना इशारा काफी होता है। तो उतना इशारा काफी होता है किसी भी चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए। हाँ, सो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर का सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती, बहुत बड़ी पावर है ये। इसलिए हम लोगों ने पिटिशन भी फाइल करी थी कि भाई ये कम से कम 5 जजेस का जो कोलिजियम है उनको ये पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए कि कौन से जजेस किस तरह के केस सुनेंगे। और फिर अमंग दोज बेंचेस, मान लीजिए आपने 3 बेंचेस बनाई हुई हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट की ये 3 बेंचेस होंगी, तो कौन सा केस उनमें से किस बेंच के पास जाएगा वो लॉटरी से तय कर लीजिए। लेकिन ज्यूरिसडिक्शन के लिए कम से कम 5 जज सीनियर जजेस जो हैं वो तय करें, एक सिर्फ चीफ जस्टिस ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटिशन खारिज कर दी और नतीजा ये है कि वो पावर सिर्फ एक आदमी चीफ जस्टिस ही एक्सरसाइज करता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तरह का फीफडम है, जुडिशियल फीफडम। चलिए शुक्रिया सर, बहुत ही ज्ञान बढ़ा हम लोग का और अम्बेडकर नामा के साथियों का। बीच बीच में अम्बेडकर नामा पे आते रहिए, हमारे पास जो साथी हैं गंभीरता से सुनते हैं बातों को और हम लोग का ज्ञान वर्धन कीजिए। तो आज थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण जी, और ये जो बात कहते हैं ना, बेबाक स्पष्ट कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए और घर घर पहुंचाइए, क्योंकि काम की बात तो घर घर जानी चाहिए, मन की बात को टीवी और रेडियो पे ही रहने दीजिए। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। थैंक यू।